माशाल्लाह ये है इलियासी मस्जिद एबटाबाद में, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये मस्जिद का एरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक ये आप देख सकते हैं। दर्स अंदर मस्जिद में जारी है इस वक्त, दर्स कुरान पाक, जबकि ये आप देख सकते हैं ये इलियासी मस्जिद है और ये ऊपर जो है टूरिस्ट प्लेस है। आगे आपको दिखाते हैं हम ऊपर चढ़ के पहाड़ों में। जी ये दूसरा साइड है इस मस्जिद का, इलियासी मस्जिद टूरिस्ट प्लेस भी है और तारीख़ी मस्जिद भी है, हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ एबटाबाद। ये आप देख सकते हैं बच्चे स्टूडेंट्स, ये ऊपर पहाड़ में बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। आगे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये आप बच्चों को देख सकते हैं। जब हम ऊपर चढ़ेंगे अगर मौका मिला, बारिश हो रही है, ज़बरदस्त मौसम है, छतरी भी नहीं है साथ। ये फ्रंट साइड है इलियासी मस्जिद का, इसके मीनार हैं। ये है इलियासी मस्जिद का फ्रंट साइड। ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, आगे टूरिस्ट को भी आप देख सकते हैं, ऊपर जा रहे हैं ऊपर पहाड़ी की तरफ। और ये है ऊपर से इलियासी मस्जिद का नज़ारा। जी तो एक दफ़ा फिर आप देख सकते हैं ऊपर से ये मस्जिद का नज़ारा। अभी हम थोड़े ही ऊपर आए हैं कि सांस फूलना शुरू हो गया है, अभी तो बहुत ऊंचाई पे जाना है। माशाल्लाह हम थोड़ा और ऊपर आ गए हैं, आपको करीब से ये नज़ारा दिखाते हैं। ये एबटाबाद शहर और ये इसके गिर्दोनवाह पहाड़ और ये मस्जिद की छत। ऊपर से आपको दिखा रहे हैं, अभी आगे हमने जाना है बहुत दूर। ये देख सकते हैं आप टूरिस्ट ऊपर चढ़े हुए हैं और ये कुछ लोग वापस आ रहे हैं, तो अभी कोशिश करते हैं ऊपर भी जाएं, लेकिन बिल्कुल बहुत तक गए हैं यार। ये आबादी आप देख सकते हैं ये पहाड़ों की। जी तो ये देखे एक दफ़ा फिर हम आपको दिखाते हैं इलियासी मस्जिद। ये देखे अब ऊपर आ गए हैं, ये पूरा शहर आप देख सकते हैं, आबादी पहाड़ों में घिरा हुआ ये शहर। अपनी मिसाल आप चंद साल पहले ये बहुत ठंडा हुआ करता था ये शहर, लेकिन आबादी में इजाफ़ा और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से यहाँ का मौसम थोड़ा गर्म हो गया है और यहाँ का एक इलाका ठंडियानी है, बहुत ऊंचाई पर है, वो बहुत जो है ना देखने के काबिल है। वहाँ पर आपको जून जुलाई अगस्त में भी जो है ना गर्म चादर ले जाना पड़ता है, वहाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से इंसान के डांड तितरते हैं। तो ये आपको हमने बताया इलियासी मस्जिद की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अभी आगे कोशिश करते हैं कि आपको दिखा सकें, लेकिन अगर थकावट की वजह से ना जा सके ऊपर तो आप नाराज़ नहीं होइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस और हिस्टोरिकल प्लेसेस के मतलब मालूमात मिलती रहे। जी तो ये यहाँ हम पहुँच गए हैं टॉप के, यहाँ पर दोस्त पहले ही पहुँचे हुए थे, मैंने आपको बताया था। ये अजीमुल्ला साहब हैं, रियाज साहब हैं और मुनीर साहब हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और अदनान भाई भी हैं, तो इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।